तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि एल्डोन अपनी पावर्स को बाकी को भी देते हुए कहते हैं कि वे लोग इसी माउंटेन में हैं, जाओ जाके उनके और आसनों ने ढूंढ निकालो। तब सारे लोग यस एल्डर कहते इस माउंटेन के अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिस पर इधर रविन दोनों को देखते हैं जो कि डाइट साइड वालों को देख के छुपे हुए थे। तब लियू के यदि पता नहीं मेरे मैसिव वेपन का असर और कितनी देर तक रहेगा, अगर हम लोग टाइम रहते भाग नहीं पाए तो फिर पक्का पकड़े जाएंगे। जिस पर लियोंग इसे मुंह पे हाथ रखती है, क्या रही मत मथारो, हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। और जहाँ तक रही उस मैजिक पेपर की बात, तो अभी बहुत ही लंबा चलेगा। तब लियोंग इतना कहते ये ड्रैगन यहाँ से गुजरते हुए निकल जाता है, जिस पर लियोंग अभी चैन की सांस लेती है, क्या रहा की बच गए। तब लियू क्या देखिए खिला ड्रैगन हमें कैसे नहीं कर पाए, लेकिन कैसे, क्या वाकई में उस मैजिक पेपर का इफेक्ट इतना ज्यादा था। जिस पर इधर अभी एल्डर इन लोगों से पूछते हैं क्या वाकई में उस लड़के ने फाउंडेशन रिलम को ब्रेक थ्रू नहीं किया था। तब पीछे वाला आदमी कह रहा है कि यस एल्डर, और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बस मैं उस बात को नहीं समझ पा रहा कि आखिर उतने कम पावर में भी वो हमसे ज्यादा तेज कैसे भाग रहा था। जिस पर ये एल्डर कह रहे हैं कि ज्यादा मत सोचो, वो लड़की जो उसके साथ है वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि लिजवांग की ग्रैंड डॉटर है, मुझे यकीन है कि उसके पास ही कुछ ऐसे मैजिक वेपन है जिसकी हेल्प से वो दोनों बच रहे हैं। तब ये लोग कह रहे हैं कि एल्डर तो फिर आप ही बताइए कि अब हम लोग आगे क्या करें। जिस पर ये एल्डर कह रहे हैं इस माउंटेन के चारों ओर अब सोनिक वेव टेक्निक का यूज करो, भले हम उन्हें देख नहीं सकते लेकिन अगर वो लोग पेड़ पौधों से टकराते हैं तो फिर थोड़ी सी भी हलचल से हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तब ये लोग वीएस एल्डर कह रहे हैं इस माउंटेन को चारों ओर से घेरने लगते हैं और घेरते हुए सुपर सोनिक वेव टेक्निक का यूज करने लगते हैं, जिस पर इधर अब लियोंग कह रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लोग नहीं बचने वाले, हमें धीरे धीरे जगह चेंज करनी होगी। तब ये आदमी इसी प्लेस में आखिर दोनों बहुत ही गौर से देखने लगता है, मगर मैजिक पेपर के इफेक्ट की वजह से ये दोनों नजर नहीं आते। तब ये आदमी कह रहा है कि लगता है हवा की वजह से पत्तियां हिल रही थी, मुझे उधर जाके देखना चाहिए। जिस पर इस आदमी चाहते हैं लियू लियोंग से कहती है कि जल्दी चलो अभी हमारे पास मौका है। तब लियोंग लियू का मुंह बंद कराती है, कह रहा है कि हिलना भी मत, जिस पर तभी अभी आदमी यहाँ से दोबारा गुजरता है। तब लियोंग अपने मन में सोचते हुए कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी तो जैसे इन्होंने बस स्टार्ट किया है, जितना ज्यादा लेट होगा उतने ही अलग अलग तरीकों से ये हमें ढूंढने लग जाएंगे, और उससे बुरी बात ये है कि सिचुएशन में मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, इतने पावरफुल लोगों से मैं एक साथ डील नहीं कर सकता। तब लियू कह रही है कि क्या सोच रहे हो, जिस पर लियोंग कह रहा है शायद उन्हें पता चल गया कि हम बाकी मॉडल सेट की तरफ ही जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग भी हमें उसी डायरेक्शन में चेज कर रहे हैं। तब लियू कह रही है कि अब मैं कुछ समझी नहीं, जिस पर लियोंग अब जमीन में डायरेक्शन बनाती है, कह रहा है कि उन्हें पता है कि अगर हमें मॉडल सेट में जल्दी पहुंचना है तो फिर इसी रास्ते से जाना होगा, इसीलिए वो लोग हमें आगे साइड से घेर रहे हैं और उनका मेन फोकस हमें इसी तरह से चारों ओर से घेरना होगा, तो इसीलिए हम लोग अब शॉर्टकट ना लेकर उल्टी साइड से घूम के जाएंगे। जिस पर आप पीछे की ओर से जाते हुए लियोंग कह रहा है कि अब उसी डायरेक्शन में जाने से लोगों से हमारा एनकाउंटर नहीं होगा ये कन्फर्म नहीं है। तभी लियोंग इतना कहते कहते एक आदमी इधर से भी आ जाता है। तब लियोंग छिपते हुए कह रहा है देखा मेरा शक बिल्कुल सही था, पीछे से भी एक आध लोग हमें ढूंढ रहे हैं, शायद कितने ही अच्छे से क्यों ना भाग ले, लेकिन इसी नजरों में आ ही जाएंगे और फिर ये बाकी को भी सिग्नल दे देगा और फिर इस लड़की को भी मैं गोद में उठा के दोबारा से उतना तेज नहीं भाग पाऊंगा, यानी अगर इस साइड से निकलना है तो फिर मुझे इसे निपटाते हुए निकलना होगा। जिस वाली पूछती है कि क्या सोच रहे हो, गया क्या हमें निकलना चाहिए। तब लियोंग कह रहा है कि नहीं वो कमीना यही 100 मीटर की रेडियस में आसपास घूम रहा है, अगर हमने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो फिर तुरंत ही पकड़े जाएंगे, इसीलिए इससे बचने की बजाय हमें इसे मारते हुए ही निकलना होगा। जिस वाली वो कह रही लेकिन कैसे, वो अभी सिल्वर रिलम है और तुमने जो भी फाउंडेशन रिलम को ब्रेक थ्रू नहीं किया है। तब लियोंग कह रहा है कि मैं कर लूंगा, मुझे खुद भी यकीन है, बस तुम मुझे अच्छे से पकड़े रहना। जिस वे इतना कहे लियोंग लियू को बैग में उठाते हुए अच्छे से बांध लेता है। तब लियू थोड़ा ब्लस करते हुए ओके कहती है, जिस वे लियोंग अब सीधे से आदमी की ओर बढ़ते हुए कह रहा है कि मैं इधर हूँ। तब ये आदमी अब लियोंग को अपनी ओर आता हुआ देख के कह रहा है इस वाशर ने फाउंडेशन रिलम को ब्रेक थ्रू नहीं किया है और चला है मुझसे भिड़ने, आखिर इतना कॉन्फिडेंस आजकल के लड़कों में आ कहां से रहा है। जिस वे इतना कहेगी अब खुद ही जाके लियोंग पर अटैक कर देता है। तब लियोंग भी लियू के सोर्डर अपने सिस्टम की हेल्प से इसे डॉज करने लगता है, जिसे देखकर ये आदमी कह रहा है कि धोखा ये लड़का अपनी पावर्स को हाइड किए हुए था। तब लियोंग सिस्टम की पावर की हेल्प से इसे काटता बार बार चला जाता है, जिसकी वजह से ये आदमी यहीं पे मारा जाता है और इसके पास जो कुछ भी आइटम था वो सीधे उड़ते हुए अब लियोंग के पास चला जाता है।
तावलियों की सहेली को पकड़ाती है ख्याल आता कि जल्दी देखो कि इसके अंदर क्या क्या है। अगर कोई अच्छी पिल मिल गई तो फिर हमें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। जिस वाले वो पोटली में देखती हुई ख्याल कुछ पैसे और बदहजमी की दवाई है और फिर लियो क्या देखा अरे वाइस में तो लो लेवल हीलिंग पिल्स भी है। तब लियो आगे बढ़ते हुए क्या रही क्या ये पिल्स हमारे लिए यूजफुल है। जिस वाली वो क्या रही हाँ ये फाउंडेशन लेवल के नीचे के लोगों में अच्छा असर करता है और इतना कहे ये इस पिल को लियो को खिलाते हुए क्या रही इससे तुम्हारी स्पेशल पावर जल्दी रिकवर होंगी। तब इस पिल के खाद्य सिस्टम की वजह से इसका असर लियो के ऊपर 4 गुना ज्यादा होता है जिसे फील करते हुए लियो क्या रहा की वो तेरी मेरी पावर तो इतनी जल्दी रिकवर हो गयी इसका मतलब दोबारा से मैं सीधे की रफ्तार से भाग सकता हूँ। तब लियो अब लियो को लेकर दोबारा से बहुत ही तेज से अपोजिट डायरेक्शन में निकलने लगता है जिस पर कुछ देर के बाद इन लोगों को इस मरे हुए आदमी की लाश मिलती है जिसे देखते हुए अगल बगल वाले क्या देखने लगता है ये उसे डायरेक्टली पकड़ना चाहता था इसलिए हमें सिग्नल नहीं दिया लेकिन वो बच्चा इसकी इतनी बुरी हालत कैसे कर सकता है। तभी एल्डर अब काफी ज्यादा भड़कते हुए क्या देख बकवास बंद करो ये तुम ही लोगों का केयरलेस बनाए छो इसकी ये हालत हुई क्या सच में तुम लोगों को यकीन है कि उस लड़के के पास बेसिक कल्टिवेशन भी नहीं थी या फिर मेरी वजह से झूठ बोल रहे हो। जिस पर ये आदमी अब कांपते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है मगर इसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। तब एल्डर दून कहता है कि मुझे वो लड़की किसी भी कीमत में चाहिए जाओ सेट से और डिसेबल्स को बुला लाओ और आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह लगा दो अगर वो लड़की हाथ से निकल गई तो फिर मैं तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। जिस वह इधर अब ये लोग इस माउंटेन से निकल के आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में टाइगर सेट के और भी डिसेबल्स को आते हुए देख लेते हैं। तब लियो के आदि उन्हें पता चल गया कि हम लोग उल्टी डायरेक्शन में घूम के जा रहे हैं। जिस वह लियो के आदि डरो मत वो अभी सिर्फ स्काई में निशान बीन कर रहे ग्राउंड टीम वाले शायद पीछे से आ रहे होंगे हम अगर शायद अब भी निकल सकते हैं। और अब तभी इधर इस माउंटेन से बहुत ही बड़े बड़े बेस्ट इन लोगों के पीछे पड़ने लगते हैं। तब लियो कहती है कि फ्लेम ईगल सीट में बताना भूल गई ये टेरिटरी नो माउंटेन की सीमा में आते जहाँ पे स्पेशली सिर्फ खूंखार बीस्ट ही रहते हैं। इन बीस्टों को शराबी नहीं पसंद कि कोई भी इनके इलाके में एंटर करे। जिस वाली वहाँ कह रही है अरे ऐसी बात है तो फिर जब मैं इधर से जाने का प्लान बना रहा था तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। और फिर लियोंग इस फ्लेम ईगल और डाइन सेट के डिसाइबल के बीच की फाइट को देखते हुए कहता है कि इन बीस्टों से भिड़ने के लिए डाइन सेट के विलाइट ड्रैगन्स क्यों नहीं आ रहे। जिस वाली वो कह दी कि वो ड्रैगन्स भी यहाँ पे अलाउ नहीं है और ये बात वो इंसानों से भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं। वो लगता तो यहाँ पे नहीं आएंगे जब तक फोर्सफुल उन्हें ना लाया जाए। तब लियो कह रहा है कि अच्छा फिर चलो यहाँ से निकलते हैं। जिस पर लियो बैठते हुए कह रहे कि इन सबका कोई फायदा नहीं होने वाला और डायरेक्टली जाते तो हमारा मॉडल सेट ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर की दूरी पर था लेकिन अब हमें घूम के जाने में 4000 किलोमीटर की दूरी को तय करनी होगी और इससे बड़ी बात मेरे बॉडी में मौजूद ये पॉइजन मुझे और भी ज्यादा लाचार बना रही है। तब लियो कह रहा है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। जिस पर लियो कह रही अभी जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है उसे तुम खुद को बचा सकते हो बट मुझे बचाने के चक्कर में तुम वो भी नहीं कर पाओगे। तब लियो कह रहा है तो फिर तुम करोगी क्या क्या डाइन सेट को सरेंडर कर दोगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये सीरीज पसंद आ रही है तो फिर एक लाइक करके अपने थॉट्स को कमेंट जरूर करें। और हाँ आप लोगों सजेशन हमेशा ही मुझे बेटर बनाता है इसीलिए अगर मेरे लिए कोई सजेशन रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर हो तो फिर वो भी जरूर बताएं।